तो बच्चों आपको पेज नंबर 24 पे देखो, क्या तुम जानते हो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी दी हुई है कि विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में, ठीक है, लगभग 5 अक्षांश तक वर्ष के अधिकांश समय हवा जो रहती है वो एकदम शांत रहती है। ठीक है, आपका जो इक्वेटर है, विषुवत रेखा है बीच की, उसके उत्तर और दक्षिण में लगभग 5 अक्षांश तक हवा एकदम शांत रहती है, अतः यहाँ हवाएं ना के बराबर बहती हैं, इसीलिए इस पेटी को विषुवत वित्तीय शांत पेटी कहते हैं, अथवा डोल ड्रम भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, डोल ड्रम किसे कहते हैं। उसके बाद देखो, कर्क रेखा और मकर रेखा के समीप यानी 25 अंश से लेकर 35 अंश उत्तर अक्षांश के बीच अधिक दाब की पेटी होती है, और ये पेटी शांत पेटी है, अतः इस पेटी को अश्व अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, सो ये दोनों सेम नेचर के हैं, बट ये जो है अक्षांशों का फ़र्क है। कर्क रेखा और मकर रेखा के समीप 25 से 35 उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच में अधिक दाब के पेटी के पास में भी हवा शांत रहती है, और इसे अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया रहेगा। उसके बाद देखो, बताओ तो नीचे दी गई आकृतियों का निरीक्षण करना है और सागरीय और भूपृष्ठीय हवाओं के संदर्भ में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि सागरीय और भूपृष्ठीय हवाएं होती क्या हैं। तो बच्चों पहले हम देखेंगे कि सागरीय हवाएं क्या होती हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है, आप जानते हो कि ज़मीन जो होती है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, लेकिन पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। ये आपने इस पाठ के शुरुआत में ही प्रयोग करके देख लिया था। तो दिन के समय क्या होता है बच्चों, ज़मीन जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है। जैसा कि आपको चित्र में देखो दिखाई पड़ रहा है, एक तरफ ज़मीन है और एक तरफ पानी है। तो दिन के समय क्या होता है, ज़मीन जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है और पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है। अब ज़मीन जल्दी गर्म हो गई तो उसके आसपास की हवा भी गर्म हो गई। हवा गर्म होकर क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, ऊपर की ओर बह जाती है, और वहाँ पे हवा का दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जबकि उस समय दिन में पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो वहाँ पे पानी के पास की हवा कैसी होगी, ठंडी होगी। तो ऐसे में हवा का दबाव वहाँ ज़्यादा होगा। आप जानते हो अधिक दबाव से कम दबाव की ओर हवा चलती है। सो जो ठंडा पानी का क्षेत्र है, वहाँ के अधिक दबाव वाली हवा जो गर्म आपका ज़मीन का क्षेत्र है, उस दिशा में हवा बहना शुरू हो जाती है। सो दिन में समुद्र से ज़मीन की तरफ हवाएं बहना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम सागरीय हवाएं कहते हैं। चूँकि ये हवाएं सागर से बहना शुरू होती हैं, इसलिए इसे सागरीय हवाएं नाम दिया है, और ये दिन के समय बहती हैं। क्योंकि दिन के समय जो भूपृष्ठ है वो जल्दी गर्म होकर उस वहाँ पर कम वायुदाब का क्षेत्र निर्माण हो जाता है, जबकि पानी देरी से गर्म होता है, इसलिए वहाँ पे हवा ठंडी होकर भारी रहती है, यानी अधिक वायुदाब का क्षेत्र रहता है। तो इस प्रकार आपने समझा सागरीय हवाएँ क्या होती हैं। अब हम देखेंगे कि सागरीय हवाएँ जो हैं, अब देखो जैसे कि आपको इस वीडियो में भी दिखाई पड़ रहा है, दिन के समय हवा कैसे बह रही है, हवा जो है वो क्या हो जा रहा है, हवा आपको दिखाई पड़ रही है कि ज़मीन जो है वो जल्दी गर्म हो गई, पानी अभी भी ठंडा है, तो यहाँ पे ज़्यादा दबाव है, ज़मीन पर कम दबाव है, तो हवा समुद्र के पास से ठंडी हवाएं दिन के समय ज़मीन की ओर बहने लगती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, समुद्री हवाएं या सागरीय हवाएं कहते हैं। और ये अवस्था कब रहती है, दिन के समय। अब हम देखेंगे रात में क्या होता है। तो बच्चों रात के समय क्या होता है, जैसा कि आपको मालूम है कि ज़मीन जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है, तो रात होते ही ज़मीन ठंडी भी हो जाती है। ठंडी होके वहाँ के आसपास की हवा भी ठंडी हो जाती है, हवा ठंडी होके क्या हो जाती है, भारी, यानी ज़मीन के पास में अधिक वायुदाब हो जाता है। जबकि पानी रात होने पर भी जल्दी ठंडा नहीं होता, क्योंकि जैसे पानी देर से गर्म होता है वैसे देर से ठंडा भी होता है। तो रात के समय पानी के पास की हवा अभी भी गर्म है, यानी हवा गर्म होके हल्की होके ऊपर गई, यानी पानी के पास में हवा का दबाव कैसा है, कम है रात के समय। सो क्या होता है, रात के समय ज़मीन से समुद्र की तरफ हवा बहना शुरू होती है, जिसे हम भूपृष्ठीय हवाएं कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया रहेगा, दिन के समय कौन सी हवा बहती है, समुद्री हवा, और रात के समय बहती है भूपृष्ठीय हवा। क्योंकि
भूपृष्ठ में उस समय क्या होता है, हवा का दबाव ज़्यादा होता है रात के समय, और समुद्र पे हवा का दबाव क्या होता है, कम होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया रहेगा। बच्चों जैसा कि मैंने आपको इसके पहले स्थानीय हवाएं जब भी सिखाया था तो मैंने आपको नक्शे में बता दिया था कौन कौन सी प्रमुख स्थानीय हवाएं हैं, आपको संसार के नक्शे में दिखाया था मैंने। सो आपके पेज नंबर 26 पर भी देखो एक टेबल बना हुआ है ब्लू कलर का, और उसमें हवा का नाम है और हवा का स्वरूप है और उसकी विशेषताएँ बताई हुई हैं। आपको एक बार ये टेबल पढ़ना है। मैंने आपको लू के बारे में बताया था जो एशिया यानी भारत में चलती है, ये गर्म और शुष्क होती है। उत्तर भारत के मैदानी प्रदेशों में ग्रीष्मकाल में प्रायः दोपहर में ये बहती है। ये हवाएं थार के मरुस्थल से आती हैं। फिर देखो सिमुम गर्म शुष्क और विनाशकारी हवा है जो सहारा और अरब मरुस्थल में अति तीव्र गति से बहती है, और ये हवाएं शक्तिशाली भी होती हैं और विध्वंस भी करती हैं। फिर चिनुक देखा था हमने, चिनुक कहाँ बहती है, ये उत्तर अमेरिका के रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलान के नीचे की ओर से बहती है। फलस्वरूप यहाँ की बर्फ़ पिघलती है जिससे मध्य अमेरिका में तापमान में वृद्धि होती है। मिस्ट्रल भी एक शीत और शुष्क हवा है, ये स्पेन फ्रांस और भूमध्य सागर के तटीय प्रदेश से बहती है। बोरा एक शीत और शुष्क हवा है जो आल्पस पर्वत की ढलान से इटली के तटीय क्षेत्र की ओर बहती है। पाम्पेरो भी एक शीत और शुष्क हवा है जो दक्षिण अमेरिका के पंपास के घास के प्रदेशों से बहती है। और फॉन एक ऐसी गर्म और शुष्क हवा है जो आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहती है। तो बच्चों अभी तक हमने कौन कौन सी हवाएं सीखी, ग्रही हवाएं, स्थानीय हवाएं और पर्वत की हवाएं, पर्वतीय हवाएं, घाटी की हवाएं, सागरीय हवाएं, भूपृष्ठी हवाएं, और अब हम पढ़ेंगे मानसूनी हवाएं। और बच्चों अब हम पढ़ेंगे मानसूनी या मौसमी हवाएं। सो ये हवाएं जो हैं वो ऋतुओं अर्थात मौसम के अनुसार भूमि और पानी के न्यूनाधिक गर्म होने के कारण निर्माण होती हैं। ग्रीष्मकाल में मौसमी हवाएं समुद्र के ऊपर से भूमि की ओर और शीतकाल में ये भूमि की ओर से समुद्र की ओर बहती हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्व अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया प्रदेशों पर मौसमी हवाओं का विशेष प्रभाव पड़ता है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको चित्र में भी दिखाई पड़ेगा, आपकी बुक के पेज नंबर 26 पे आपको दिखाई पड़ेगा। आकृति देखो 5.6, भारतीय उपमहाद्वीप में मौसमी हवाओं का प्रभाव जो है वो ग्रीष्म और शीत ऋतुओं पर होता है। यहाँ देखो आपको चित्र में दिखाई पड़ेगा, और इन हवाओं के प्रभाव से भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्मकाल और शीतकाल के अतिरिक्त वर्षाकाल और मानसून की वापसी ऐसी चार ऋतुएं पाई जाती हैं। सो ये मानसूनी और मौसमी हवाएं हैं, को और अच्छी तरह से समझेंगे। सो बच्चों भारतीय उपमहाद्वीप पर होने वाली जो अधिकांश वर्षा है, अभी देखो बारिश का मौसम चल रहा है, सो ये जो बारिश का मौसम है ये किसकी वजह से है, मानसूनी हवाओं के प्रभाव से ये बारिश होती है। ये हवाएं विषुवत रेखा को लांघने के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर जून से सितंबर की अवधि में बहती हैं। ठीक है, देखो ये हवाएं कहाँ से आती हैं, ये विषुवत रेखा के पास से आती हैं। जैसे कि आपको देखो यहाँ पे पहले वाले चित्र में दिखाई पड़ रहा है, विषुवत रेखा से ये आती हैं, विषुवत रेखा लांघने के बाद में दक्षिण पश्चिम दिशा से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आती हैं, और जून से सितंबर के बीच में ये चलती हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं कहते हैं। उसके बाद दूसरे चित्र में देखो, सितंबर से दिसंबर तक विषुवत रेखा के पास कम वायु दाब का क्षेत्र निर्माण होने के कारण ये हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप की ओर से विषुवत रेखा की ओर यानी उल्टी बहने लगती हैं। देखो आपको एरोस से ही मालूम पड़ जाएगा, पहले वाले चित्र में आपको दिखेगा कि वो जो ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है नीचे का भाग ऑरेंज कलर का, वहाँ से वो आपका भाग नीचे विषुवत रेखा के आसपास का एरिया है, वहाँ से ऊपर की तरफ हवाएं आ रही हैं भारत की तरफ। ठीक है, और ये कैसी हैं, ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं जो जून से सितंबर के बीच में बहती हैं, भापयुक्त तो होती हैं, और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं भारत में बारिश करती हैं। उसके बाद में दूसरे मानचित्र में आपको दिखाई पड़ेगा कि सितंबर से दिसंबर के बीच में विषुवत रेखा के पास में कम वायु दाब का क्षेत्र निर्माण हो जाता है, और ऐसे में क्या होता है, ये हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप की ओर से विषुवत रेखा की ओर उल्टी, देखो उल्टा एरो आपको सेकंड वाले चित्र में दिखाई पड़ रहा है, बहने लगती हैं, और इन्हें कहते हैं हम पूर्वोत्तर मानसूनी हवाएं। ये हवाएं कैसी होती हैं, ये हवाएं शुष्क होती हैं, जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है उल्टी दिशा में बहती हैं, और ये हवाएं क्या होती हैं, शुष्क होती हैं।
सो आपने दो मानसूनी हवाएं पढ़ी कि मानसूनी हवाएं जो क्या होती हैं, पूर्वोत्तर मानसूनी हवा और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं। हवाओं की अस्थिर और अति तूफानी स्थिति का विचार करते हुए आगे हम पढ़ने वाले हैं चक्रवात और प्रति चक्रवात। बच्चों अब हम पढ़ेंगे चक्रवात के विषय में। चक्रवात क्या होते हैं? सो जब किसी स्थान पर हवा का दबाव कम रहता है और आसपास हवा का दबाव अधिक रहता है, सो उसे, अब देखो चक्रवात में जब किसी स्थान पर हवा का दबाव कम रहता है और आसपास हवा का दबाव ज़्यादा रहता है, तब चक्रवाती हवाओं की स्थिति निर्माण होती है। हवा के कम दाब वाले स्थान की ओर से आसपास के प्रदेश की हवा के अधिक दाब वाले प्रदेश की ओर तेज गति से हवाएं चलती हैं, जैसा कि आपको आकृति में दिखाई पड़ रहा है। सो पृथ्वी के परिघ, यहाँ देखो ये आकृति 5.7, सो पृथ्वी के परिभ्रमण के फलस्वरूप ये चक्रवात हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में बहती हैं, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो चक्रवात की स्थिति में आकाश मेघाच्छन्न रहता है, हवा बहुत तेज गति से बहती है, भरपूर वर्षा होती है। चक्रवाती हवाओं का प्रभाव क्षेत्र सीमित होता है। इन हवाओं की कालाविधि, गति, दिशा और क्षेत्र बहुत अनिश्चित होता है। उपग्रह द्वारा खींचा चक्रवात का छायाचित्र आकृति 5.8 में देखा आपने। अब हवा की स्थिति को दर्शाने वाला मानचित्र में चक्रवात का केंद्र एल लो अक्षर द्वारा दिखाया जाता है। अगर आप चक्रवात का चित्र देखोगे उसमें बीच में आपको लो या हाई जो है वो दिखाया रहेगा एल अक्षर से। सो चक्रवाती प्रणाली एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर खिसकती है। इस चक्रवात को हम चक्रवाती आंधी भी कहते हैं। तो प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में जापान, चीन, फिलीपींस आदि देशों के तटीय क्षेत्र में निर्माण होने वाली चक्रवाती आंधी टाइफून के नाम से जानी जाती है। और ये आंधियां जो है इनका निर्माण जून से अक्टूबर महीनों में होता है। तेज गति से बहने वाली ये हवाएं मूसलाधार बारिश के साथ में ये चक्रवात बहुत ही विनाशकारी होता है। कैरेबियन समुद्र में आने वाली चक्रवाती आंधी को हरिकेन्स कहते हैं। और ये जो हरिकेन्स मैं आपको बता रही हूँ वो हरिकेन्स क्या है, वो कैरेबियन समुद्र में आने वाली चक्रवाती आंधी है और इस पर हवाओं की गति प्रति घंटा कम से कम 60 किलोमीटर होती है। इसके अतिरिक्त समशीतोष्ण कटिबंध में भी चक्रवातों का निर्माण होता है और उनका विस्तार जो है वो क्या रहता है, कम रहता है और ये बहुत विनाशकारी नहीं होते हैं। तो ये हमने समझा चक्रवात के बारे में। बच्चों एक बार मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि चक्रवात अगर आप आकृति का निरीक्षण करोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, देखो ये आकृति आपको दिख रही है बीच में L, L का मतलब होता है कम दबाव का क्षेत्र। सो जब भी किसी स्थान पे हवा का दबाव एकदम कम हो जाता है और आसपास हवा का दबाव ज़्यादा रहता है तो बहुत ही तेज गति से चक्र के आकार में हवा बहना शुरू होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। और इसका बीच का L जो है वो कम दबाव का क्षेत्र दिखा रहा है आपको। सो ये है चक्रवात। अब हम देखेंगे कि प्रति चक्रवात क्या होता है। तो बच्चों अब हम देखेंगे प्रति चक्रवात किसी क्षेत्र में विशिष्ट वातावरणीय परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और केंद्र में बिल्कुल उल्टा चक्रवात के हवा का दबाव अधिक हो जाता है और हवाएं केंद्र के आसपास के क्षेत्र की ओर चक्राकार दिशा से बाहर की तरफ बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएँ घड़ी की सुइयों की दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएँ घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में बहती हैं, ठीक है। सो ये क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं प्रति चक्रवात। ये बिल्कुल चक्रवात का उल्टा होता है। इसमें आपको बीच में जहां आपने देखा था एल लिखा था, यहां आपको बीच में एच लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बीच में अधिक वायुदाब का क्षेत्र निर्माण होता है, आसपास कम वायुदाब का क्षेत्र होता है। सो इसीलिए अधिक वायुदाब से बाहर की तरफ हवाएँ बहना शुरू हो जाती हैं, जैसा कि आपको आपकी आकृति 5.9 में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है बच्चों। सो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रति चक्रवात। जैसा कि आपकी आकृति 5.9 में आप देख सकते हो, आपको दिखाई पड़ेगा प्रति चक्रवात। बीच में देखो एच है, एरोस बाहर की तरफ है, यानी हवा जो है अधिक दाब से कम दाब की ओर बाहर की ओर फेंकी जाती है, इसे ही हम कहते हैं प्रति चक्रवात। और देखो ये जैसे आपको आकृति दिखाई पड़ रही है, और प्रति चक्रवात में क्या होता है,
प्रति चक्रवात में अगर हम मौसम की बात करें तो इस समय प्रति चक्रवात में मौसम बहुत ही उत्साहवर्धक होता है, आकाश एकदम साफ रहता है और प्रति चक्रवात की अवधि कुछ दिन अथवा एक सप्ताह की भी हो सकती है। ऐसे प्रति चक्रवात समशीतोष्ण कटिबंध में अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। सो आपको याद रखना है दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो दोनों के बीच का अंतर आपको समझ में आया रहेगा। चक्रवात में बीच में लो एल यानी कम प्रेशर हवा दाब होता है, आसपास अधिक वायु दाब होता है, हवाएं अंदर की ओर बहना शुरू होती हैं, ठीक है? और प्रति चक्रवात में क्या होता है, अंदर हवा का दबाव ज़्यादा यानी एच, और हवाएं बाहर की ओर बहना शुरू होती हैं, और दोनों के अनुसार जो मौसम है उसके अंदर भी जो परिस्थितियाँ हैं वो अलग अलग होती हैं। चक्रवात के समय क्या होता है, इस समय चक्रवात जो है उस समय जो मौसम होता है वो अच्छा नहीं होता है, जो है हवाएं तेज़ गति से बहने लगती हैं और इनसे जो है इनकी गति दशा बहुत तेज़ होती है, नुकसान भी होता है इससे बहुत ज़्यादा, ठीक है? मूसलाधार बारिश वगैरह होने लगती है। लेकिन जो प्रति चक्रवात है उसमें मौसम साफ रहता है, उत्साहवर्धक रहता है। अब देखो बच्चे, इसके बाद देखो अगर आप देखोगे तो क्या तुम जानते हो करके एक सेशन आपको दिखाई पड़ेगा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है जो आपको समझनी है। क्या तुम जानते हो पेज क्रमांक 28 पे है। यहाँ देखो, चक्रवातों को नाम देने की प्रथा। संसार में चक्रवात आते हैं और उन्हें नाम दिए जाते हैं। प्रत्येक महासागर के लिए इन नामों की सूची बनाई जाती है। महासागर के आसपास के देश ये नाम सुझाते हैं। सुझाए गए नामों के अनुसार ये सूची बनाई जाती है। यदि चक्रवात की गति 33 नॉट्स, नॉट्स जानते हो, नॉट्स जो है ये इकाई है, लगभग प्रति घंटा 60 किलोमीटर हो तो चक्रवातों को नाम दिया जाता है। सामान्य रूप से ध्यान रहे इसलिए चक्रवातों को नाम देने की प्रथा चल पड़ी, ठीक है? इन चक्रवातों के नाम नहीं होते, हम कहते हैं ना अरे चक्रवात आया है, सुनामी आया है, तो उनके नाम थोड़े होते हैं, लेकिन उन्हें नाम जो तटवर्ती क्षेत्र में वो आते हैं उसके हिसाब से उन्हें नाम दिए जाते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि हम इन वायुदाब को मिली बार इकाई में मापते हैं, ठीक है? तो आपको लेसन समझ में आ गया रहेगा।